बता नहीं देता उसे छोड़ना नहीं। कॉपी दैट। सॉरी। अरे अरे अरे, तू तो रोने लग गई। अरे तुझे गुब्बारा चाहिए ना, मैं दिलाता हूँ। आजा 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 आजा, बहादुर बच्चे रोते नहीं है। दो मिनट रुक जाओ, गुब्बारा दिला। आजा आजा, दो गुब्बारे लेना। थैंक यू, ये लो ये लो। आज जी भर के गुब्बारों के साथ खेलना। ये लीजिए, तुम रोज रोज झूठ बोलकर गुब्बारे मांगती रहती हो। आप इतने बड़े आदमी हैं, इसकी बात क्यों मानते हैं? अरे उसकी बात कैसे नहीं मानूंगा, जरा उसकी मुस्कान तो देखिए, देखिए कितनी खुश है, कैसे खिलखिला रही है। संभल के, मैं कल भी गुब्बारे खरीद के दूंगा। ठीक है, ये लो खाओ। मुझे ये वाला नहीं चाहिए, सादा दे दीजिए। मैं जानती हूँ आप स्पेशल खाते हैं, अब ये खा लो। जस्ट गॉट एन इन्फॉर्मेशन, उमर फारूक कल नहीं आ रहा है, बल्कि वो आज ही आ गया है और वो उसी घर में है। 20-25 मिनट के अंदर वो वहाँ से निकलने वाला है। तो मैं शुरू करूँ या नहीं? We have one more bad news for you. इंडियन स्पाई एक बिल्डिंग में है, जानकर उन्होंने पूरी बिल्डिंग अपने कब्जे में कर ली है। अभी अगर तुम वहाँ जाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसलिए बताने में बुरा लग रहा है, लेकिन We don't have a choice other than calling off this operation. अभी के लिए सब बंद कर दो, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ए, रोना बंद करो। इधर कहाँ आ रहा है, वहां लाइन में खड़ा हो जा। हाँ हाँ रुक जा भाई। अरे वहां जाना, बैग बहुत भारी है, मैं वहां रख देता। हाँ ठीक है, कोई भी चू मत करना। क्या कर रहे हो? कनेक्टिंग रेड वायर एंड ब्लैक वायर। क्या क्यों कर रहे हो? ऐसा करूंगा तो सबके फोन का सिग्नल चला जाएगा। जरा अपना फोन निकाल के देखो। मेरा फोन? तुम्हारे फोन में सिग्नल है? है? नहीं है। जामर क्यों लगा रहे हो? ये नहीं लगाऊंगा तो तुम बाहर से मदद मांग लोगे ना। ए, कौन है तू? वीर राघव, सीनियर फील्ड ऑपरेटिव इंडियन रॉ। रॉ एजेंट को ही ढूंढ रहे हो ना? बंदा हाजिर है। क्या मतलब? तेरे सवालों का जवाब देकर मैं कौन सा करोड़पति बनने वाला हूं। अगर इजाजत हो तो हम कोई और खेल खेलें।
उमर फारूक 2 मिनट में बाहर निकलने वाला है, वो हमें जिंदा चाहिए। फारूक को कुछ नहीं होना चाहिए, व्हीकल इज द मेन टारगेट। उसे कुछ नहीं होगा, मेरा टारगेट उसका व्हीकल ही है। सुबह उठकर क्या क्या किया? उठकर ब्रश किया, नहाया, ब्रेकफास्ट किया, बाद में तैयार हुआ और फिर सो गया। उसके बाद मैं बताता हूं। मेरे क्लिनिक में फोन करके अपॉइंटमेंट मांगा होगा, नर्स ने कहा होगा मैं नहीं हूं, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम फिर भी यहां आ गए और मेरे सामने बैठ गए, और मैं तुम्हारी वही एक कहानी 7वीं बार सुन रहा हूं और एक्टिंग कर रहा हूं जैसे पहली बार सुन रहा हूं।
वीर ये क्या है, 11 महीने से एक ही राग अलाप रहे हो। मैं तुमसे हजार बार कह चुका हूँ, उस छोटी बच्ची की मौत के जिम्मेदार तुम नहीं हो। छोटू, सर, डॉक्टर चैतन्य से अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहा था, क्या हुआ उसका? कल शाम 7:30 बजे का अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ है सर। ओके, डॉक्टर चैतन्य, शहर के नंबर 1 साइकेट्रिस्ट। क्यों डॉक्टर, मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उसके पल्ले बांध रहे हो? नहीं, मैं जाऊंगा, काफी बुजुर्ग है, तुम्हें नहीं झेल पाएंगे। क्यों डॉक्टर, ऑल ओके, सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। जब से तुम यहां मेरे पेशेंट बन के आए हो, तब से मैं उनका पेशेंट बन गया हूं। ये सच है, और मजे की बात यह है कि तुम मुझे देते हो 2,000 रुपए और मैं उन्हें फीस देता हूं 3,000 रुपए। जब भी तुम यहां मेरे पास आते हो, मुझे 1,000 का नुकसान होता है। सॉरी डॉक्टर, ये बात मैं भी जानता हूं, उसकी मौत मेरी वजह से नहीं हुई है, और ये मेरे दिमाग में क्लियर है। मैं चलता हूं, अब से कल मिलने आऊंगा। इसलिए कल क्यों आओगे? नो, देखो, मेरे डॉक्टर ने मुझसे साफ साफ कहा है कि मेरी भलाई तुमसे दूर रहने में है। अब से मैं तुम्हारा डॉक्टर नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त बनके इलाज करूंगा, और उसके लिए मुझे सबसे पहले तुम्हारा ध्यान भटकाना है। अभी मुझे अर्जेंटली एक शादी में जाना है, और उस शादी में तुम भी आ रहे हो। उस शादी में मैं क्यों आऊं? दिल्ली की शादी है, वहां एक से बढ़कर एक लड़के आएंगी। कहा था ना, उधर देखो, एक से एक खूबसूरत लड़कियां, और उस तरफ सामने वाली जो हरी ड्रेस में है, कड़क है ना? खूबसूरती हो तो ऐसी हो, सही है ना? हाय हाय, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा अच्छा, तुम्हारे अच्छा, पापा अच्छा। कैसे हैं? वो भी मम्मी ठीक तो ठीक है ना? ठीक है चलती हूँ। रिश्तेदार, नंबर चाहिए तुम्हें, मिल जाएगा। आपको शर्म नहीं आती? शर्म तो आती है, लेकिन तुमसे पीछा जो छुड़ाना है। एक्सक्यूज मी, जरा एक मिनट। देख लिया, तुम्हें कैसा लग रहा है? हाइट एकदम परफेक्ट है। थैंक्स। मगर प्रिया, वो जो है ना, मेरे कंधे तक ही आता है, मुझे किस करने के लिए उसे स्टूल पर चढ़ना होगा। सर, आपका नाम क्या है? वीर। स्वीट नेम। अगर मेरा हस्बैंड वीर जैसा होगा तो बोलो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? अरे हाइट वाइट छोड़ो, वो ढंग से बात भी कर पाता है क्या? मुझे मैसेज भेजता है, मेरी क्यूटी ने खाना खा लिया। जब देखो क्यूटी ब्यूटी पे अटका रहता है, कुछ और सोचता ही नहीं। ये लोग तुझे फांसने के चक्कर में हैं, अब देख मैं इसमें कैसे उनकी मदद करता। एक्सक्यूज मी, वो क्या है कि मैं जरा गिफ्ट देने के लिए स्टेज पर जा रहा हूँ, ये यहाँ अकेला रहेगा तो खो जाएगा। मेरे लौटने तक इनका ध्यान रखना प्लीज। सर, 2 मिनट में आ जाऊंगा। सर, ऑल ओके? अगर आपको बात करने में झिझक हो रही हो तो मेरा हाथ पकड़ सकते हैं। तुम कहो तो तुम्हारी कमर पकड़ लूं? हाँ? और नहीं तो क्या, उसके हाथ में कोई गिफ्ट नहीं है और गिफ्ट देने जा रहा हूं कह के चला गया, तुम समझ नहीं पाई? तुम्हें क्या लगता है मैं अकेला रहूंगा तो खो जाऊंगा? पहले ही दिमाग खराब हो रहा है और इतनी खूबसूरत बला सामने आके खड़ी हो गई, मैं तुम्हें किस करूं इससे पहले निकल जाओ। आंटी, पानी पूरी का पानी चूरा है, जरा संभल के खाना। वो फायर पान है, वो तो खत्म हो गया सर। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, 1 महीने के अंदर मुझे किसी से शादी करके सेटल होना है। एक्सपायरी डेट है? देखो, मेरी सगाई हो चुकी है, लेकिन मेरा फियांसे बिल्कुल बकवास है। उसका पता काटने के लिए मैं किसी और से टांका बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। अंकल, 2 लव बर्ड्स मिल रहे हैं तो कबूतर की तरह बीच में आ गए, चल घर जाके कर। करोगे ना? 1 मिनट, तुम्हारा मंगेतर सहलेगा? शादी हुई तो मैं नहीं सह पाऊंगी, बहुत बड़ा टॉर्चर है वो, बहुत मुश्किल है। 1 दिन में 150 बार फोन करता है, इतना प्यार मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे लिए तुम ठीक हो, तुम्हें मंजूर है तो बोलो। हाँ, बोलने का मन तो कर रहा है। एक काम करो, मेरे ऑफिस में नौकरी कर लो। अरे, ये सब थोड़ा फास्ट नहीं हो रहा?
टाइम नहीं है, समझो। जिप बंद कर लो प्लीज। रमेश चाचा, कहां देख रहे हैं ये? फोटो को क्यों घूर रहे हैं? रमेश चाचा, मुबारक हो। कल नाइट ड्यूटी कर रहे थे ना, उस एटीएम में छठी बार चोरी हुई है। ये बात है? ओ, मतलब तुम्हें पता ही नहीं है? मैंने सिक्योरिटी बहुत टाइट रखी हुई थी। हाँ, देख ली मैंने सीसीटीवी में तुम्हारी टाइट सिक्योरिटी। थू! सर, वो आ चुका है। कौन? वो ट्रक वाला? सुनो, मैंने तुम्हारी लाश ट्रक से टक्कर मारने जैसी होती है, जरा मार के दिखाओ। इनका इंश्योरेंस है ना? प्रीति, किसी ऐरे गहरे पर जोर आजमाया होगा। मुझे मारने की कोशिश करना, लेफ्ट हैंड से ब्लॉक, राइट से अपर कट, और तेरा ये थोबड़ा चपटा कर दूंगा, समझा तू? और अगर फिर भी मारा तो? मार के दिखा। मेरा चोंटा चपटा करेगा, तेरा हेलीकॉप्टर बनाता हूँ। प्रीति, सारे पैसे उठा लेना, टेबल के नीचे 5 का सिक्का गिर गया, वो भी। क्या हालत करती? अरे, इसने तेरे एमडी को हवा में उठा रखा है। अरे, इसे बोलना मुझे नीचे उतार दे। इन्हें लैंड करवाइए ना प्लीज। क्रैश लैंड करवाऊं? छोड़। मैं पीछे मुड़ के देखूं उससे पहले तुम चारों यहाँ से दफा हो जाओ। मुझ पर हंस रहे थे ना? यू इडियट जोकर्स, गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस। ये बताओ, गांव में भी तुम ऐसा ही करते थे क्या? वैसे तो मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, हंसी मजाक करता हूँ, लेकिन कोई गुस्सा दिलाए तो गन से सीधा उसके पुर्जे उड़ा देता। क्या कहा? पुर्जे उड़ा देते हो? नहीं नहीं, आज गन नहीं लाया। अब बोलिए ना। तुमने तो मेरी सीटी बजा दी थी, दूसरों की क्या हालत करते होंगे। प्रीति, ही इज अपॉइंटेड। इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन। साउथ इंडिया में एक बड़े टेररिस्ट अटैक होने की खबर आई है, पर हमें नहीं पता कि हाईजैकिंग है, किडनैपिंग है या बॉम्ब ब्लास्ट। अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट बंदूक और बॉम्ब्स के साथ शहर में आ चुके हैं, ऐसी खबर मिली है। इतनी जानकारी है ना हमारे पास, तो तहकीकात करके इस मुसीबत से पीछा क्यों नहीं छुड़ा ले? सर, इट्स ऑलरेडी लेट। दे आर फार अहेड। वी हैव इंफॉर्मेशन दैट दे हैव प्लान्ड इट वेरी एफिशिएंटली। अचानक कुछ नहीं कर सकते, बात बिगड़ सकती है। बिगड़ सकती है तो फिर सुधारो ना उसे। फोकट की पगार लेनी है तो निकल जाओ। इतने दिनों से तुम लोग कर क्या रहे थे? यहाँ इतना बड़ा हंगामा हो गया, देश विदेश से फोन आएंगे, कितना पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, लोगों पर उसका क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में कुछ सोचा तुम लोगों ने? आतंकवादी घर में घुस आए हैं, अरे बिरयानी खा के सो रहे थे क्या? सुनकर मेरे ही पेट में कुछ हो रहा है। मैं जरा रेस्ट रूम जाकर आता हूँ। आई एम सॉरी। हेलो, धमाका कब करने वाले हो? जल्दी करो, क्योंकि यहाँ इंटेलिजेंस वालों ने पता लगा लिया है कि शहर में कहीं हमला होने वाला है, समझ रहे हो? अटैक करते वक्त दो बातों का खास ध्यान रखना। पहला, तुम्हारे लीडर को जेल से बाहर निकालना है, और दूसरा, अगले चुनाव में प्राइम मिनिस्टर के लिए मेरा ही नाम आगे होना चाहिए। उसके लिए सारे काम सही ढंग से होने चाहिए। बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। और हाँ, मेरी बीवी और बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, याद है ना? पुराने क्लाइंट्स हाथ से निकल गए हैं, अब सारी उम्मीद किसी बॉस से। सर, आपका साइन चाहिए था, इसे क्लियर करना होगा, प्लीज सर। या श्योर। पहले ही बच्चे ने घोड़ा घोड़ा खेल के कमर की बैंड बजा रखी है। सर, पेन? नो नो, आई विल यूज माय पेन। श्योर सर। ये चली जाएगी तब उठा लूंगा, क्योंकि जब भी मैं झुकता हूं तो कहीं से मुझे चूहे की चू चू की आवाज आती है। हाँ, मैंने भी सुनी, आवाज तो आई थी। तुमने भी सुनी? साइन कीजिए ना। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ।
ये लो। थैंक यू सर। वीर एक बात बताना भूल गया, कल मुझे उस मॉल के मालिक के पास जाके गिड़गिड़ाना है। अगर तुम मेरा दिया हुआ सेकंड हैंड कोट पहनकर आ जाओगे तो तुम्हारे रहते उसे बाटली में उतारना आसान होगा। वीर गाड़ी सामने देखकर चलाओ, शीशे में देखकर चलाओगे तो आंखें टेढ़ी हो जाएंगी। अरे बिरजू चाचा साहब जी, तुम्हारी लापरवाही की वजह से इस मॉल का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से जा सकता है। यह हाथ अच्छे से देख लो, इस हाथ से अब उस कॉन्ट्रैक्टर के पैर पकड़कर काम की भीख मांगनी पड़ेगी। इसे माथे लगा लो। छी, हाथ धो के नहीं आया था। उस मॉल के कॉन्ट्रैक्ट का हाथ से जाने का असली कारण उस बिल्डिंग में 10th फ्लोर पर रहने वाला सुंदरलाल है। मेरे पास नौकरी करता था, जो कुछ पता था सब सिखाया उसे। आज वो इतना बड़ा हो गया है कि सिक्योरिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स लेने लगा है। गुस्सा तो इतना आता है कि उसकी छाती पे चढ़ के उसका गला दबा के तड़पा तड़पा के मार डालूं मैं, लेकिन ढीला पड़ जाता। अरे बाप रे, ऐसा मत कीजिएगा सर, वरना पुलिस आप पे सिक्योरिटी लगा देगी। मैं आपको आइडिया देता हूँ सर, उस बिल्डिंग के ठीक सामने जो बिल्डिंग है, जो करीब 650 मीटर दूर होगी, वहाँ पे बस आपको एक स्नाइपर बिठाना है। बस विंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है और खेल खत्म सर। अरे बिरजू चाचा जी, ये स्नाइपर क्या होता है तुझे पता है क्या? मुझे पता है। क्या होता है? वही जो गाड़ी को घिस घिस साफ करता है। वही यारी की औलाद पता नहीं तो चुप रहे। वो होता है वाइपर और ये है स्नाइपर। उस जिंदी को मारने के लिए इतना तामझाम करने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम अपनी टेक्निक से उसे हल्का सा झटका दे दोगे ना तो भी वो मर जाएगा। मैं काम करो, अपनी नजरें सामने रख के स्पीड से गाड़ी चलाओ, जब मॉल आएगा तब रोक देना। अरे बिरजू चाचा ठीक तो हो? लंबे तो नहीं होगे? अभी तक तो ठीक हूँ। चलो भाई अब जाके उसके पैर पकड़ने हैं। ये बटन तो नहीं काम कर रहा, लाइट भी नहीं जल रही। लिफ्ट बंद पड़ी है, बटन दबाने से क्या होगा? चलिए एस्केलेटर से चलते हैं। अरे बिरजू चाचा, यहाँ से एस्केलेटर तक पैदल ही जाना पड़ेगा, कहीं तू लड़खड़ाएगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा, आप आइए। ये क्यों नहीं चल रही है? आपके पैर तो अपने आप चलते हैं ना, उन्हें चला के आ जाइए। एस्केलेटर नॉट वर्किंग, दैट लिफ्ट इज नॉट वर्किंग, एंड दिस बुढ़ाओ इज आल्सो नॉट वर्किंग। टेल मी व्हाट इज वर्किंग प्रीति। मैं पता लगाती हूँ। तब तक वो लापता हो जाएगा। अपर्णा, अपर्णा, अपने पसंद के गहने खरीदेगी तो शादी के बाद खुश रहेगी ना? मुझे शादी में ही इंटरेस्ट नहीं है। आज नहीं तो कल मैं आईपीएस की ट्रेनिंग में चली जाऊंगी। जब मेरी शादी नहीं हो रही तो पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? लेकिन तेरे पिताजी ये शादी नहीं रुकने देंगे। आईपीएस बनके उन्हीं का तो नाम रोशन करना चाहती हूँ। तुम्हारे पति ने जो पाप किया है मैं उन्हें उनकी सजा दिला कर रहूंगी। सो जो तुम्हें पसंद है खरीद के रख लो। ए, ये पेड़ गिरेगा तो नहीं ना? एकदम लोहे की तरह मजबूत, लोखंड से बना है। और क्या, तो हवा से हिल क्यों रहा है? इसी पे गिर गया ना तो हम दोनों जेल जाएंगे। मैं क्यों जेल जाऊंगा, एग्रीमेंट पे साइन तो तेरा है ना। पतली गली से कट रहा है क्या? कोई क्रिसमस इवेंट है क्या? हाँ साहब जी। हमने इवेंट टीम की चेकिंग तो कर ली है। हाँ जी। तो कुछ हुआ नहीं ना भाई, सारा काम बढ़िया है ना? सब बढ़िया है। नहीं तो मैं तुझे कूट डालूंगा, एक पैसा नहीं दूंगा, याद रखना। ये सांता क्लॉज के कपड़े पहनकर जो लोग नाच रहे हैं उनसे उनका एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह ले लिया। अरे कहाँ जा रहे हो, एक मिनट रुको तो। ये पैसे देते हैं 1,000-1,500 रुपए, उसके लिए राशन कार्ड आधार कार्ड दिखा दे बैठेंगे? तूने ये पूछा है इसलिए तुझे पनिशमेंट है, चल घूम के जा। जाना है जा। ए घूर क्या रहा है, निकल। निकलना यार। क्या हुआ, उसने सही तो पूछा है? तेरे खानदान का आधार कार्ड है? आधार कार्ड जाए तेल लगाने। ए, सही से लगाना। समझा दोगे ना? उससे काम निकलवाना। ओके सर।
तुम सब यही इंतजार करो, मैं मिलकर आता हूँ। साहब जी मैं भी आता हूँ ना। क्यों, तुम मुझे वहाँ अंदर जलील होते हुए देखना चाहता है क्या? चला यहीं रुक, बाहर बोर हो जाऊंगा, मैं भी आता हूँ ना। हम फूड कोर्ट चलते हैं। 141 142। रोकड़ा ले लिया है। 143। एक दिन तेरा खून कर दूंगा। मैम थैंक यू, सॉरी इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, कैश दे देंगे प्लीज। ऐसा क्यों, इतने बड़े मॉल में इंटरनेट काम नहीं कर रहा तो मॉल वाले कैसे काम कर पाएंगे? क्यूटी, मैंने तुम्हें 149 कॉल किए, तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया मेरा। मैं जब भी फोन करता हूँ कोई और उठाता है, वो ही उठा रहा था ना फोन। तुम मुझे धोखा दे रहे हो तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मैं तुझे धोखा दे रही हूँ फिर भी तू मेरे पीछे पीछे आ रहा है, शर्म नहीं आती है? तो साबित कर दूं कि मैं उससे बढ़िया हूँ, अभी मुकाबला करता हूँ। हंड्रेड इमरजेंसी, बोलिए सर। देखिए मैं ईस्ट कोस्ट मॉल से बोल रहा हूँ, इस मॉल में कुछ गड़बड़ लग रही है, ना इंटरनेट है, सिक्योरिटी पोस्ट भी खाली है। मुझे लगता है कि आपको पीछे के दरवाजे से एक हेलो। उसके सामने साष्टांग प्रणाम करूं क्या? ओ, यकीन नहीं हो रहा है। क्यूटी मुझे छोड़ के मत जाओ क्यूटी प्लीज। ये क्या पागल है जो पैरों में गिर रहा है? रोकड़ा ले लिया है, करने देना। लौटा दे पैसा, निकलते हैं। सारे खर्च हो गए, सारे पैसे उड़ा के मुझे धमकी देने के लिए फ्री में लेकर आया है। प्रीति जरा अपना फोन दे। तेरी तो अबे निकम्मो, देख क्या रहे हो, इसको मारना था ना, मारो इसे। लगता है पूरा पागल हो गया है। तुम्हारे फोन में भी सिग्नल है? ए तो चुप रहा, मैं देखता हूँ। चला जा भैया, जरा कोपचे में आ जा। रोकड़ा लिया है, हमारे भैया के रास्ते में आ रहा है, तो तुझे शर्म नहीं आती है? वो लड़का उसका लवर है, जानता है ना। अबे तो कबाब में हड्डी क्यों बन रहा है? तेरे फोन में भी सिग्नल नहीं है। ग्रीश, इसने तो मेरा फोन फेंक दिया। मेरे चाकू से तेरा कोट फट जाएगा, घुसेड़ दो, फट जाएगा, चलेगा ना? मेरे हाथ पे चाकू है तो मुझे उंगली क्यों दिखा रहा है? नहीं, वो पार्किंग में सिक्योरिटी गार्ड सो रहा था, सर्विस लिफ्ट बंद है, वाईफाई बंद है, फोन बंद है, देखा जाए तो कुछ काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब सब कुछ कोई और कंट्रोल कर रहा है। अगर मेरा शक सही है तो मॉल हाईजैक होने वाला है। लगता है कोर्ट नहीं, तेरा कुछ और फट चुका है, ये हाईजैक बोल के हमें डरा रहा है तो है? साहब जी मामला हिट हो गया, हिल गया। तूने जो ऑस्कर विनिंग चौकीदारी की थी ना, उसकी वजह से मॉल का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से गया। उसने मुझे इतना जलील किया कि उसकी वजह से ज्वालामुखी फूट रहा है। उसी ज्वालामुखी की कसम खा के कहता हूं कि इस मॉल का भी सत्यानाश हो जाए। तेरा श्राप इतनी जल्दी फल गया? टेम्परेचर 102 है, मैं दवाई लिख देता हूँ, याद से लेते रहना और कोई स्ट्रेस नहीं। यस मिस्टर माधव सिंह, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द ईस्ट कोस्ट मॉल इन चेन्नई हैज बीन हाईजैक्ड।
आज के मुख्य समाचार। ईस्ट कोस्ट मॉल को आतंकवादियों ने हाईजैक करके वहां के लोगों को बंदी बना लिया है, ऐसी जानकारी मिली है। आज की हुई इस घटना ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। आतंकवादियों की मांग का पता नहीं चला है। शहर के बीचों बीच मॉल हाईचेक कर लिया। कमीनों की हिम्मत बढ़ती जा रही है। सर, 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 क्या हुआ? कहाँ आप क्यों रहा है? सर, आपके लिए वेट कर रहे हैं। सब आपको ही ढूंढ रहे हैं। रुकना, मॉल उनकी झोली में डाल दिया है। अब मेरे 30 सेकंड के लिए सिगरेट पीने में कुछ बदल जाएगा क्या? छोड़ उनको, वेट करने दे। ये सिगरेट के 3 पैकेट ले आ। तेरे पास पैसा है ना? ए, पान टपरी वहां नहीं है, इस तरफ है। जी। ए, सुन, बुरा लग गया क्या? नहीं। बुरा लगा हो तो भी जाके लेकर आओ। जा। जी सर। से भी पुरानी कोई बिल्डिंग नहीं मिली क्या? इसके पूरे हाड़ पिंजरे हिले हुए हैं। सर, कोई इमरजेंसी ऑपरेशन कहा था इसलिए। अच्छा, तुझे सब बता दिया है? जरा एक एक करके बता तो उन्होंने क्या क्या बताया। सर, अभी तक कुछ ही नंबर्स बताए। मॉल के अंदर कितने लोग हैं? सर, करीब 250 सिविलियंस है सर, और 20-30 आतंकवादी हैं। धर्मेश, मुझे थोड़ी डिटेल्स चाहिए मॉल के अंदर की पूरी सिचुएशन के बारे में। अंदर कितने सिविलियंस हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ और उसकी पूरी जानकारी मुझे दो। के साथ आतंकवादियों की लिस्ट बनाओ और उनकी पूरी जानकारी दो। उनके पास कौन से हथियार हैं, क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी जानकारी मेरे टेबल पर आ जानी चाहिए। वो देखिए, मंत्री जी आ गए। मंत्री जी आ गए तो क्या करूं? अपने सिर पे बिठाओ मंत्री जी को। बात करता है, बैठने को बोल। बड़ा पाव ला के दे दे, बैठ के खाता रहेगा। धर्मेश, सिग्नल में इंटरफेरेंस है क्या? कनेक्ट हो पा रहा है? सर, मैं वही चेक कर रहा हूं। गिरीश, बाइक पार्किंग में खड़ी है, उसका टोकन तेरे पास है ना? तेरी जात का छी। बाहर जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के बारे में सोचने से पहले हमें अपनी सुरक्षा देखनी चाहिए। उन्हें बचाने की जिम्मेदारी सरकार और मिलिट्री की है, वो हमारा काम नहीं है। यहां से बाहर निकलने का प्लेन में भी कहते हैं दूसरों की सहायता से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगा लो, कहते हैं ना? एकदम सही बोल रहा है। सिर्फ यही सोचो कि हम यहाँ से बाहर सुरक्षित कैसे निकल पाएंगे। अब ध्यान से सुनो, चीखना चिल्लाना घूमना फिरना हंसना कुछ नहीं करना है, बिल्कुल चुप रहना है। चुप क्यों रहूं? मैं चिल्लाऊंगा वरना उससे हार जाऊंगा। मैं तो चिल्लाऊंगा ही, बार बार चिल्लाऊंगा। मैं चिल्ला के दिखाऊं तुम्हें? चिल्ला के दिखाऊं? दिखाऊं क्या? दिखाऊं क्या? तू इस तरह चिल्लाएगा तो तेरी आवाज तो बैठ जाएगी, तू किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं चिल्लाया तो बाहर से आतंकवादी आएगा और तेरे धुप धुप गोली ठोक देगा। मैं जोर से चिल्लाता हूँ, ठीक है? जब आतंकवादी आएगा तो बोल दूंगा कि वो वीर चिल्लाया था। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, मेरा काम हो जाएगा। बोलो तो चिल्लाऊं क्या? लगता है कोई आ रहा है। क्या बोल रहे हो? नहीं मम्मी, छोड़ना मत मुझे। इसकी मर्दानगी तो पंक्चर हो गई। बिरजू चाचा, कचरे के डिब्बे में बैठे हो, घर जैसा लग रहा है ना? डरपोक, हम लोग आतंकवादियों से डर के यहाँ बैठे हुए और तू हमसे डर के वहां बैठा है। बढ़िया है चाचा, ऐसे ही बैठा रहे। मैं देख लूंगा।
सर आप यहाँ कब आए? गोविंद मंत्री जी आए हैं, मुझे बताया भी नहीं, और इन्हें खड़ा रखा हुआ है, ये हमारे देश की जान है। हाँ ठीक है, ये हो क्या रहा है हमारे शहर में? आपको तो पता ही है सर, मॉल हाईजेक किया हुआ है। हाईजेक किया ये बात पता है, लेकिन तुम क्या करने वाले हो? सर आपकी बीवी और बेटी भी अंदर है, इसलिए आप थोड़ा पैनिक हो रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी बीवी और लड़की की तुम बात मत करो, अंदर जितनी औरतें हैं सब मेरी बीवी और मेरी बेटियां हैं। सर मेरा मतलब है कि सब लोग मेरे भाई और बहन जैसे हैं। देशवासियों को बचाने के लिए मुझे जान भी देनी पड़ेगी तो मैं तैयार हूँ, भेज दो मुझे। ओके सर, जरूरत पड़ी तो भेज दूंगा। सर लाइन पर एक आदमी है सर। हेलो, मैं अल्ताफ हुसैन भारत सरकार की तरफ से बात कर रहा हूँ, तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो मुझसे कह सकते हो। अल्ताफ हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तुम क्या चाहते हो? मेरी बस एक ही मांग है, उमर फारूक। उमर फारूक चाहिए? जहां तक मैं जानता हूँ मॉल में 100-150 लोग होंगे, इतना छोटा सा हाईजेक करके तुम उमर फारूक जैसे खतरनाक टेररिस्ट को छुड़ाओगे, ये हजम नहीं हो रहा है। हाँ अगर क्रिकेट स्टेडियम पर हमला करते, 15,000-20,000 लोगों को हॉस्टेज बनाते तब शायद बात बन सकती थी। हमने तो तुम्हारे लीडर को बहुत इज्जत दी, पर तुम उनकी वैल्यू को बिल्कुल नील बटा सन्नाटा कर रहे हो। वैसे भी ये फैसला मेरे हाथ में नहीं है, मैं सिर्फ एक प्यादा हूँ, ये जानकारी मैं दूसरों तक पहुँचा दूंगा, मुझे बस 15 मिनट दो। ये क्या सर, उमर फारूक को मांग रहा है? उमर फारूक, उसे कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। देख लो सर, नहीं तो वो सन के कुछ भी कर सकता है, बाद में पछताना ना पड़ जाए, सोच लीजिए। सर कंट्रोल रूम में कॉल करने वाले का पता चल गया है। बंदा किसी काम का है? यस सर। हेलो मिस्टर महराब सिंह। देर आर जैमर्स इनसाइड द मॉल एंड आई नीड टू कनेक्ट टू वन पर्टिकुलर पर्सन, सो काइंडली सपोर्ट मी विद योर टेक्निकल टीम। यस आई विल डेफिनेटली एक्सटेंड माय सपोर्ट ऑन दिस मिस्टर सिंह। हम सबको यहाँ नीचे बिठा कर ये यहाँ वहाँ क्यों घूम रहा है? मैं तो यहाँ सिनेमा देखने आई थी, पर लगता है जैसे किसी की शादी है। ए बिरजू चाचा, ये क्या भालू की तरह इधर उधर रेंग रहे हो? कुछ मत बोलो, चुपचाप रहो। तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तुम मुझे चुप कराई, चल अंदर जा, जा। एक बार यहाँ से जान बचा फिर तुझे सबक सिखाऊंगा। सिग्नल ही नहीं है। ओ, सांप सीढ़ी खेल रहा है, रुक जा बताता हूं। हेलो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से मेरी बात करवाना। हे राम, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना मेरे भाई। पहले उसे चुप रहने के लिए बोल, नहीं तो फोन में रेडियो में लगा दूंगा। हेलो आरजे मलिष्का। हेलो हेलो मिस्टर वीर राघव, कैसे हो? इंडियन जेम्स बॉन्ड? हाँ, टेररिस्ट ने जिस मॉल पर कब्जा किया है उसी में हूँ, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक अंधेरे कमरे में हूँ, इसीलिए मजे से हूँ। क्या बात है, ऐसे टाइम में भी अकड़ के बात कर रहे हो, इस काम के लिए तुम ही सही हो। मेरी तारीफों के पुल बांध रहे, लगता है आग का दरिया पार करवाएंगे। तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने मदद करना छोड़ दिया, कोई और काम है तो बोलो। ये क्या, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। देखिए आपसे और आपके डिपार्टमेंट से मेरा नाता बहुत पहले ही कट चुका है, क्योंकि पहले आप लोग मुझे इस्तेमाल करेंगे और फिर मुझे धोखा देंगे, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अपनों के साथ रहकर जो अपनों की ही बैंड बजाते हैं उनके साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए आप फोन रख दीजिए। इस हाईजेक का मकसद क्या है तुम्हें पता है? जिसे पकड़ते वक्त एक छोटी बच्ची की मौत होगी और तुम्हारा दिमागी संतुलन हिल गया, उसी उमर फारूक को छुड़ाना चाहते हैं, उन्हें उमर फारूक वापस चाहिए। अब आगे तुम्हारी मर्जी। हाँ सर बोलिए, क्या बात है? बस ये जानना चाह रहा था तुम किससे बात कर रहे थे। मेरा जान पहचान वाला था, टेंशन मत लीजिए, बैठ जाइए, खड़े खड़े आपके पैर दुख रहे होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए। क्या हुआ, सब ठीक है ना? सरकार से कुछ नहीं हो रहा, रॉ वाले मुझे घसीट रहे। मजाक कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूं। ईस्ट कोस्ट मॉल में कुछ लोगों को आईसिस आतंकवादियों ने बंदी बनाकर तिहाड़ जेल में बंद अपने लीडर उमर फारूक को छुड़ाने की मांग रखी है, ऐसा हमारे सूत्रों से पता चला है।
जैसा मैंने कहा था, इतने छोटे हाईजेक के लिए उमर फारूक को छोड़ना जायज नहीं लग रहा है। आई थिंक दे नीड सम मोर टाइम। मैंने कहा था ना, ये उनके लिए गीदड़ भक्की की तरह है। शहर के बीचों बीच मॉल हाईजेक हुआ है और तुम बहादुर बनने की एक्टिंग कर रहे हो। तुम जैसे कुछ लोग बहादुरी का नाटक करते हैं, ये मैं जानता हूँ। लेकिन एक बात तुम्हारे जहन में नहीं आई, अगले 2 महीने में इलेक्शन है, उससे पहले अगर 250 लोग मर गए तो क्या होगा? नतीजों में कितना हेर फेर हो जाएगा तुम नहीं समझ रहे हो। भले ही तुम न समझ पाओ, लेकिन तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर इस बात से खुश नहीं होंगे। सो आई ऑर्डर यू टू टॉक टू योर प्राइम मिनिस्टर नाउ एंड गेट बैक टू मी इन 15 मिनट्स, वरना मैं क्या करूंगा मैं खुद भी नहीं जानता। जो मैं नहीं सुनना चाहता था वही इस कमीने ने बोला। ये इलेक्शन इस देश को ले डूबेगा। अरे भाई बता के तो जा, कहाँ जा रहा है? सुसू करने जा रहा हूँ सर। मेरी फटी पड़ी है और तुझे सुसू की पड़ी है? परमिशन लेके जाऊँ? घर के आके बताता हूँ। जल्दी आ जाना, फोन पे टाइम पास मत करते रहना। किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही है, तुम्हें भी दे रही है? हाँ, हल्की हल्की सुनाई दे रही है। चुनाव सर पर है और सरकार पर कितना दबाव है तुम जानते नहीं, लेकिन तुम्हें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आखिर तुम करने के वाले हो? वीर को खुला छोड़ देते हैं सर, सोच के देखिए ना। 200 लोगों की जान का सवाल है, उमर फारूक को छोड़ना होगा, उसके लिए रास्ता बताओ। सर अगर उसे छोड़ दिया तो दोबारा कभी नहीं पकड़ पाएंगे। अगर वो बाहर आ गया तो पूरे देश पर आफत आ जाएगी। अभी लोगों की जान बचानी है, जो हम नहीं कर सकते उसे वो अंदर रहकर अकेला कर पाएगा, ये मैं नहीं मान सकता। कुछ अजीब सा लग रहा है, मेरा दिमाग कह रहा है कि वहां नहीं जाना चाहिए। दिमाग जो कह रहा है वही सही है, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है सर। तुम वहां मत जाओ, हमारा यही रहना ठीक है, प्लीज। मैं भी वही सोच रहा था, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज सुनकर मैं थोड़ा हिल जाता हूं। नो, प्लीज। ठीक है, नहीं जाता, तुम सही कह रहे। मुझे जिस चाकू से डरा रहे थे वो कहाँ है? तेरे पास ही है ना? दादे। अरे आलू छीलने, तुझे कुछ नहीं करूंगा।
ऐसी सिचुएशन में भी आतंकवादी का सर धड़ से अलग होकर मॉल के बाहर आकर गिरेगा कभी सोचा था क्या? देख लिया ना, हम सब मॉल के बाहर हैं, वो अंदर है, अकेला सारे आतंकवादियों पर भारी पड़ेगा। सर मेरी बात मान लीजिए, वो खतरनाक बीस्ट है, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो मैं माधव सिंह जी से बात करता हूँ। इसे पानी पिला था। मेरे मना करने पर भी तुम चले गए। क्या करूं, रहा नहीं गया। हमारी आंखों के सामने ही पप्पी झप्पी हो रही है। झप्पी तो ठीक है, तुम्हें क्यों ले रहा वो? उनको अलग करो ना। लड़का लड़की अगर दोस्त हो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन किसी की मंगेतर के साथ उसी के सामने ऐसा करना शर्म की बात है। चलकर अलग करो ना उन दोनों को। बेबी कॉल की तरह चिपक गए तुम दोनों। एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा फासला रखोगे तुम दोनों? यहाँ पहले इतनी गर्मी हो रखी है। अच्छा ये सब तो ठीक है, तुमने अगला प्लान क्या बना रखा है? यहाँ कितने आतंकवादी हैं, उनके पास हथियार कौन से हैं, उनके प्लान क्या है, ये बातें पता लगानी है। ये तुम आतंकवादियों से जाकर पूछ कर आओगे? नहीं, मैं उनमें से एक को जिंदा पकड़ के यहाँ लाऊंगा। जिंदा पकड़ कर लाओगे? क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगे मेरे भाई? ये तो आतंकवादी को पार्सल बनाकर ला रहा है। फिल्म चल रही है क्या? चलो उठो। अरे उठ भाई, ये तो अलग मूड में है। तुम अपने बेटे से बहुत प्यार करते हो ना, तो फिर तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपने बेटे के साथ होना चाहिए था। मेरा यहां आने का मकसद है उनसे मिलने वाला पैसा, उसी से मेरे बेटे का ब्रेन ट्यूमर का इलाज कराया। तुम्हारा बेटा अब कैसा है? आज उसका ऑपरेशन हुआ है। उसका ऑपरेशन कामयाब हुआ है या नहीं, वो जिंदा है या नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। हे खुदा, मेरे बेटे को लंबी जिंदगी देना। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा बेटा अभी कैसा है? ये भला कैसे मुमकिन है? यहां रहकर मैं कैसे जान सकता हूं? तुम जानना चाहते हो या नहीं? क्या ऐसा करना मुमकिन है? मैंने जो नंबर भेजा है उससे वीडियो कॉल पे कनेक्ट करवाइए। वीडियो कॉल? वो क्यों?
क्या कहा आपने? अभी करता हूँ कहा। अब मैं ठीक हूँ। मेरे सर में बहुत दर्द है। आप जल्दी आइए। आप आ जाओ। मुझे आपसे मिलना है। बेटे अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम अपनी अम्मी और दादी के साथ रहकर मेरा इंतजार करना। हाँ मैं इंतजार करूंगा। जल्दी आना प्लीज। आसिफ, आसिफ तुम्हारे अब्बू तुम्हारे पास बहुत जल्दी आएंगे, मैं वादा करता हूं। तुम बस खुदा से दुआ करो। ठीक है। अगर तुम इन सब की जान बचाने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के पास भेजने का वादा करता हूं। मॉल के चारों तरफ डायनामाइट बिछा के रखा है, पूरा कंट्रोल उसके पास है, सो बी केयरफुल। आरिफ इसे भी अंदर ले लो। ठीक है। ए, जरा खा सके बैठना। बॉस, बहुत प्यास लग रही है, जाके पानी पी के आ जाओ। वकील, अब वो आएगा तो पूछेगा ये लोग कैसे मरे, उससे कहना कोई आया और इन्हें मार के वहां चला गया। हैं? कहोगे ना
तुम लोगों के भरोसे ये सब किया है, कहीं मिलके मुझे फंसा मत देना। वैसे तुम लोगों पे भरोसा है, लेकिन कभी कभी भला करते वक्त भला करने वाले की बलि चढ़ जाती है। मुझे लगता है वो आपको ही ढूंढ रहा है। हाँ देख लिया। अरे उधर नहीं, इधर। इतनी सुंदर लड़कियां होते हुए तुम मेरे ही पास में आकर क्यों बैठे हो? इसके पीछे भी एक वजह है। यहां इतने सारे लोग हैं, तुमने इस टेररिस्ट को मारा है, अगर ये किसी ने बता दिया तो? इन लोगों में से तो कोई नहीं बताएगा। हाँ। मुझे सिर्फ तुझे पे शक है, इसीलिए मैं तेरी बगल में आके बैठा हूं। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तू मेरी पोल खोल दे उससे पहले मैं तुझे मार दूंगा। सुपर। तुम सलमान के फैन हो? कोई शक, कमिटमेंट है। अभी तो डर लग रहा, अभी तो खेल शुरू हुआ है। मुझे पता है वो कौन था। हॉस्टेजेस में से एक बंदा उठा, उसने आपके बंदों का चाकू छीना और फिर उन्हें मारकर फिर वहां से वो सर्विस एरिया से कूदकर भाग निकला। शाबाश, देख के बता कौन था। ज़हीर, इसे फुटेज दिखा। एक्सक्यूज मी, मैं एक सैंडविच ले लूं क्या? नहीं देंगे? ठीक है, कोई बात नहीं। Is everything under control? सब कंट्रोल में है सर। ओके। कोई खास बात नहीं, तुम्हें कुछ बताना था इसलिए फोन किया। एक बार लीबिया में हमने एक सिनेमा हॉल हाईजैक किया था, उसमें करीब 150 लोग मौजूद थे। वहां की सरकार ने हमारी मांगें पूरी कर दी थी, सब कुछ स्मूथली चल रहा था। बताओ कौन है। अच्छा एक बात बताओ, तुम इस फुटेज में क्यों नहीं हो? मुझे पहचानने में इतना टाइम लग गया। लेकिन फिर सरकार ने मुझसे चालाकी करने की कोशिश की, हॉस्टेजेस को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम भेज दी। तब पता है मैंने क्या किया? उन 150 हॉस्टेजेस में से 75 लोगों को अलग कर दिया और उन सब लोगों के सिर अलग कर दिए, धड़ अलग कर दिए। अब तुम ही बताओ, उन 75 लोगों की मौत का जिम्मा किसके सर होना चाहिए? देख यार, ऐसी खोखली धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। वैसे भी ना तो हमने कोई आदमी भेजा है, ना ही ऐसा कोई इरादा है। पक्की बात? एकदम पक्की। नहीं भेजो तो बेहतर होगा। अब फोन रखो।
एमसी कंट्रोल रूम में आओ। अबे रुकना, रो क्यों रहा है, अभी आता। सीडी इस तरफ किसका? सर, इस वाले से जाएंगे तो देर हो जाएगी, इस वाले से भेजेंगे तो जल्दी निकलेंगे, यहां से भेजिए सर। सुन, मैं इस मॉल का ब्लूप्रिंट देख चुका हूं, मुझे कंफ्यूज किए बिना ऊपर चढ़ेगा? चल। ए, चलना, कुछ ज्यादा ही सवाल कर रहा है। खोल रहे हो? पहले इलेक्ट्रिशियन थे क्या? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? सबको वहां से भेजकर यहां से तुम अकेले जा रहे हो? मैं भी चलूंगा साथ में। मैं यहां पे एक बॉम्ब रखने वाला हूं, तुझे चलेगा क्या? क्या कहा? बॉम्ब? अच्छा फेंक रहे हो? सीरियसली बोल रहा हूं, तुझे हंसी आ रही है? जब बॉम्ब फटेगा ऐसा सोच रहे हो जैसे मुझे कुछ मालूम ही नहीं है? तू जाके रख दे, मैं आके उसका फ्यूज निकाल दूंगा। सुन, उसने मेरे साथ क्या किया? धोखा देके जा रहा है। वो मुझे धोखा दे सकता है? बॉम्ब मुझे डरा रहा था। तुम चढ़ो ना बॉस, सीढ़ी मैं पकड़ता हूं। ठीक है, पकड़। अरे बाप रे, इतना बड़ा पेट है, जरूर बीच में कहीं ना कहीं फंसेगा। ऐसे चढ़ूं इस पे? वो बॉम्ब उसी के मुंह में ही रख दूंगा। के लिए पानी भी नहीं है, बाप रे मैं मर जाऊंगी। ए, तू मुझे चुप कराएगा नास्ती के कहीं के? अरे बाप रे बाप, कितना खतरनाक दिख रहा है ये, कहां जा रहा है ये पीछे से? इतनी मुश्किल से चढ़ा था, 40 लोग पहले ही निकल चुके हैं और मैं 41वां था। जितनी जोर से नीचे खींचा उतनी जोर से ऊपर धक्का देते तो मैं भी निकल जाता ना। लगता है मेरी बात सुन के ये भी सोच में पड़ गया, लेकिन अब क्या फायदा है, चिड़िया तो खेत चुग गई। ए, तुम दोनों ऊपर जाओ। चला गया था, एक जगह टिक के बैठ नहीं सकता? अरे ये क्या तेरे बाल है? मधुमक्खियों का छत्ता लगता है। ए, थोड़ा आगे खिसको, मुझे बैठना है। ये किसी रीच की तरह दिखता है, बाल कटाने के लिए बोल इसे। अगर तू इसके साथ घूमता रहेगा ना तो कोई तुझे अपनी लड़की नहीं देगा, एकदम सांड की तरह दिखता। बस तुम दोनों सबसे आप अभी तक मरे नहीं। जब तक तुझे नहीं मारूंगा मैं मरने वाला नहीं। थोबड़े देखो इनके,
अपने थोड़े से बाल उस गंजे को दे दे, उसकी बंजर जमीन में भी कुछ उगाएगा, वरना इतनी जीने पड़ेगी। वापस आ जाओ। अंदर आखिर चल कह रहा है। मॉल के अंदर क्या हो रहा है बताओगे? जानता हूँ आपकी वाइफ और बेटी अंदर है, टेंशन मत लीजिए। आतंकवादी औरतों पर हाथ नहीं डालते हैं। मैंने तुमसे ये पूछा क्या जो बता रहे हो? अल्ताफ सर, क्या हुआ? यहाँ देखिए, मैंने कहा था ना आतंकवादी औरतों पर हाथ नहीं डालते हैं, लेकिन चाकू लगा सकते हैं। मेरी बात सुन, इन सब से मैं डरने वाला नहीं। देश के लिए मेरे बीबी बेटी कुर्बान हो जाए मुझे परवाह नहीं, वो देश के लिए शहीद कहलाएंगे और उन पर मुझे बहुत फक्र होगा। अब तुम्हें जो करना है सो करो, मैं तो देश में कुर्बान होने के लिए ही राजनीति में आया। इन्हें अचानक देश की फिक्र कैसे होने लगी? सर नहीं सर, मिनिस्टर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्हें अपने परिवार की कोई फिक्र नहीं, वो देश की फिक्र कर रहे हैं सर। तुझे भी ये गलत फहमी है, इस बार के चुनाव में उन्हें वोट डालेगा? सर बिल्कुल, उन्हें ही डालूंगा सर। अंदर जो हो रहा है कहीं मंत्री जी उससे जुड़े तो नहीं है? आतंकवादियों ने ईस्ट कोस्ट मॉल में जिन लोगों को बंदी बनाया है उनमें गृह मंत्री की पत्नी और बेटी भी है, ऐसी हमें जानकारी मिली है। उन दोनों की गर्दन पर चाकू रखकर अपनी मांग मनवाने पर पूरी तरह जोर डाला जा रहा है। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, अगले आधे घंटे में उमर फारूक बाहर आ जाना चाहिए। एयरपोर्ट जाने के लिए 4 वोल्वो बस चाहिए और एक बोइंग 747 भी। ये सब तैयार हो जाए तो फोन करना, अगर फोन नहीं किया तो 31 मिनट में इन दोनों के सर धड़ से अलग हो जाएंगे। उमर फारूक को छोड़ने के लिए सरकार मान गई है, लेकिन पहले तुम्हें होम मिनिस्टर की पत्नी और बेटी को छोड़ना होगा, ऐसा बोल रहे हैं। डिपार्टमेंट में नहीं हूं, लेकिन तुम्हारा कमिटमेंट आज भी वैसा ही है। मैं कुछ समझा नहीं। माफी चाहता हूं वीर, हमने तुम्हें फिर से निराश कर दिया, यानी तुम्हें धोखा दे दिया। क्या मतलब? हम लोग उमर फारूक को छोड़ रहे हैं, इसलिए तुम ये ऑपरेशन बंद कर दो, इसके बाद जो कुछ भी होगा हम देख लेंगे। ये तो आप पहले भी कर सकते थे ना, ईच ऑपरेशन फैसला क्यों बदल दिया? वीर ये हमारे हाथ में नहीं है, इलेक्शन का टाइम है, समझा करो। होम मिनिस्टर की बीवी और बेटी की गर्दन पर चाकू रखकर वो टीवी पे डिमांड कर रहा है, पूरा देश देख रहा है, अब ऐसे में हम क्या करें? ऊपर से प्रेशर आ रहा है। ओ, मिनिस्टर की बीवी और बेटी के गले पर चाकू रखा तो उनकी बात मान लोगे? अगर उनके गले पर मैंने चाकू रख दिया तो मेरी बात भी मान लोगे क्या? अरे यार, अपनी बात कह के फोन काट देता है, अब ये सन की क्या करेगा पता नहीं। क्या बोल रहा था, आखिर चाहता क्या है वो? वो कहता कुछ नहीं है, करके दिखाता है। वहां कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ सर, वो सन की किसी की बात नहीं सुनता है, जब डिपार्टमेंट में था तब नहीं सुनता था, तो आप कहां से सुनेगा? वो मिनिस्टर बोल रहे हैं, ऐसी धमकी दी उसे। सर आपके नाम से धमकाया तो वो खुद आपकी बीवी और बेटी को मार देगा और इल्जाम आतंकवादी पर डाल देगा, जो कोर्ट में भी साबित नहीं हो पाएगा। रहने दीजिए, वो बहुत ही डेडली आदमी है, इसलिए उससे डील करना बेकार है। डेडली है? कितना डेडली हो सकता है वो? सर कभी पागल हाथी देखा है? हाँ, मेरे गांव में ही था एक। पागल हाथी कभी किसी के काबू में नहीं आता है, उसके पास जाने की कोई हिम्मत भी नहीं करता है, जब वो खुद थक जाता है अपने आप रुक जाता है। वैसे ही इसे भी खुला छोड़ दीजिए, देखते हैं क्या करता है।
मेरे ऑर्डर्स नजरअंदाज करके पागल हाथी की कहानी सुना के मुझे ही डरा रहा है। सर शांत हो जाइए, मुझे खुद डर लग रहा है, पता नहीं वो क्या करेगा। खुद ही डर रहा है, कैसा ऑफिसर है तू? कमांड, गेट रेडी टू फायर। ए पागल, वहां मेरी बीवी बेटी है और तू फायर करने को बोल रहा है? अरे रोक उन्हें। पक्का ना सर? हां पक्का, ये मेरा ऑर्डर है। वो आपका ऑर्डर नहीं मानेंगे सर, मुझे ही देना होगा। तो जल्दी देना। होल्ड करने के लिए बोलो। यस सर। होल्ड द फायर गाइस। होल्ड द फायर। मेरे कमांड का इंतजार करो। ऐसे ही उस आतंकवादी को भी बोल कि फायर ना करे। सर वो आतंकवादी कहीं आपके दोस्त तो नहीं है? वो आपका ऑर्डर मानेंगे? रिक्वेस्ट करने को बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट करना। मुझे लगा जैसे आप ऑर्डर दे रहे हैं। ओहो, जल्दी कर ला। संभल के, बीपी बढ़ जाएगा। बोलो। सैफ, डोंट शूट, प्लीज होल्ड द फायर। वहां कुछ कंफ्यूजन है, हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अल्ताफ, तुम्हारी ऑर्डर बांधने के लिए मैं इंडियन आर्मी का प्यादा नहीं हूं। यहां सिर्फ वही होगा जो मैं चाहूंगा। मेरे लिए मंत्री की फैमिली और सिविलियंस सब एक जैसे हैं। क्या बोल रहा है? क्या बोला उसने? ऐसा मुझे कहा। अल्ताफ, मैं जो कहने वाला हूं मैं चाहता हूं मिनिस्टर भी सुने। अगर उमर फारूक बाहर आया तो तुम्हारी बीवी और बेटी का सर धड़ से अलग होकर मॉल के बाहर मिलेगा। अगर वो शैतान जेल से बाहर निकला तो लाखों जाने जाएंगी, ये बात मैं भी जानता हूं और तुम भी। ये जो राजनीतिक खेल तुम खेल रहे हो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बिकॉज आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम अ सोल्जर। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो, उन दोनों को कुछ मत करना। ये फैसला मेरा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का है, उसे जेल से निकाल के एयरपोर्ट भेजने का। वो चाहे कुछ भी फैसला कर ले। लेकिन एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दिया उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। लड़कियों की मदद करनी थी तो मैं भी कर देता।
आजा बेटा। ये क्यूटी मस्त लड़की है ना। अरे बिरजू चाचा यहाँ आके मदद करो ना। जाओ। ए, तुम लोग इनकी मदद करो, मैं जरा किसी का खून करके आता हूँ। ए बिरजू भागना मत, मैं फूंक मारूंगा उड़ जाएगा तू। चेक माइक। मुझे लगता है इस वक्त मेरी आवाज मॉल के बाहर और अंदर मौजूद सभी लोग सुन रहे होंगे। जरा गौर से सुनिएगा। उमर फारूक को किसी कीमत पर ना छोड़ा जाए, क्योंकि वो हमारी कंट्री बांग्लादेश के लिए खतरा है। 2007, 2014, 2017 में बांग्लादेश में जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए उनके पीछे उमर फारूक का हाथ था। अगर उसे रिहा किया तो हमारे देश की अमन और शांति खत्म होगी। आईएसएस उसे छुड़ाने के लिए इस तरह का कोई हाईजैक मिशन ना करे, और अगर करे तो इस सिचुएशन से डील करने के लिए मेरा देश मुझे तैयार कर रहा था। और अगर फिर भी आप लोगों ने उमर फारूक को छोड़ दिया तो अब भी मेरे पास 63 हॉस्टेजेस बाकी हैं। होम मिनिस्टर की बीवी और बेटी के साथ मैं सबको मार दूंगा। जय बांग्ला। तुम क्या सच में बांग्लादेशी हो? ट्रू इंडियन। और कुछ जानना है? ये क्या सर, हमें लगा मॉल तुमने हाईजेक किया है, पर तुम्हारी नाक के नीचे किसी और ने कर दिया। आधा अधूरा हाईजेक करके उमर फारूक को छोड़ने के लिए कहोगे तो कैसे छोड़ेंगे? पहले ये तय करो मॉल तुम्हारे कंट्रोल में है या उसके, क्योंकि किसी एक की ही बात मानी जा सकती है। हॉस्टेजेस को कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले ठीक से मॉल हाईजेक करो, उसके बाद फोन करो। ये नई कहानी क्या है? क्या वो सच में बांग्लादेशी है? क्या कहा, बांग्लादेशी नहीं, ऐसा आतंकवादियों को गुमराह करने के लिए बोला है। देखा हमारा आदमी कैसे कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूज कर रहा है, बांग्लादेशी बांग्लादेशी बोल के माइक में अनाउंस कर दिया। अगर आतंकवादियों को पता चल गया कि वो बांग्लादेशी नहीं है तो हमारी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल नामुमकिन है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि इंडियन होने के बावजूद उसने पाकिस्तान, बर्मा, चाइना, बांग्लादेश में ज्यादा काम किया है। इतना ही नहीं, 2-3 बार तो ये खुद फाइटर जेट उड़ाकर गया और वहाँ पर मिसाइल अटैक करके आया, इसलिए उसे मामूली इंसान मत समझिए सर। इन आतंकवादियों को अंदाजा भी नहीं होगा, वो लोग अपना सर खुजा रहे होंगे। वो खुजाएंगे या नहीं मुझे पता नहीं, मेरा सर तो घूमने लगा। ए, चलो रे, बीपी बढ़ रहा है, गोली दे। देखा फट गई। इसने प्लान तो अच्छा बनाया था, लेकिन वीर की वजह से इसके प्लान की ऐसी तैसी हो गई। वीर की धमकी सुन के बेचारा मंत्री बौखला सा गया है। अब मेरा मुंह मत ताक, जा जाके चाय लेकर आ। रुक, मैंने जो कुछ भी कहा ये मंत्री के सामने बोलेगा तो नहीं ना? सर मैं कैसे? बताया तो एनकाउंटर कर दूंगा, जा। सर मुझे ऐसे सर आपका एनकाउंटर कर दूंगा, जाइए, बुरा मत मानिए। ये लो, ये पीजिए, इसमें इलेक्ट्रॉल और लाइम है, इससे एनर्जी मिलेगी। साइंटिफिकली करेक्ट है, लो। जरा पानी देना। कैच कर लिया। एक पानी की बोतल के लिए तो मुझे जान से मारने वाला था। उसकी वाली ने उसको बोतल दी और मेरी वाली ने मुझे बोतल दे दी। इसने उसने दी कहाँ है? तेरे मुंह पे बोतल फेंक के मारी। चाहिए तूने कुत्ते की तरह उछल के उसको पकड़ लिया, मुझे समझा रहा है तू? तुम्हें भी चाहिए? नहीं चाहिए। ये लो। ए, रेगिस्तान से आया है क्या तू? ए, क्या झांक रहा है? है तू कौन से प्लेनेट से आया है? से मारने के बाद ही हम यहां से जिंदा वापस जा सकते हैं, सो कीप दैट इन माइंड, बी केयरफुल। सेफ, इजी, गुड गाइस, पोजीशन, शूट। Okay.
किया और मुझे लाके यहाँ फंसा दिया। कैसा इंसान है तू? क्या किया? कुछ नहीं किया सर। देखना उसका हाथ में अर्नॉल्ड वाली गन है, उसे देख के मेरी हवा निकल रही है। तो वो वाली हा? वो वाली गन तो दूर है। कितनी मेहनत कर रहे हैं ये लोग। कच्छे का नाड़ा बांधते ना वैसे बांधना चाहिए, दो गांठ मारी और पूरे दिन के लिए मामला सेट। अभी नाड़े वाला कच्छा पहना है। ए, चुप करो। ऐसी आवाजें निकाल के उसे सिग्नल दे रहे हो? सिग्नल किसको? उसको। तुम पागल हो क्या? यहाँ जो भी हो रहा है उस सिचुएशन में कोई ऐसा कैसे सोच सकता है? वही तो, ऐसी सिचुएशन में उसे इशारे कर रहे हो। जब सब नॉर्मल हो जाएगा तब पता नहीं क्या करोगे। चुप करो। वो तुम्हें इतना घूर घूर के क्यों देख रही है? हाँ, वो कहाँ घूर रही है? वो तो कहीं और ही देख रही है। तुम देखते हो तो मुंह फेर लेती है, जब नहीं देखते तो घूरती रहती है। ये बात है। ए, जरा प्यार से बांध, फांसी नहीं देनी। हाँ यार, वैसे ये घूर तो रही है, मुझे ऐसे क्यों देखे जा रही हो? बस यही देखने के लिए कि आप कैसे बांध रहे हैं। ओह, बेचारी देखना चाहती है मैं रस्सी कैसे बांधता। अच्छा, ये सीख कर क्या करने वाली है वो? पता नहीं, ये सब सीख के तुम क्या करने वाली हो? कुछ नहीं सर, मैंने भी आईपीएस एग्जाम क्लियर कर लिया है, ट्रेनिंग के लिए वेट कर रही हूँ। आईपीएस? हाँ सर, आप जो कुछ भी कर रहे हो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है। आप कहें तो मैं भी हेल्प करूँ। ओह, हमारी बिरादरी की हो? आओ, आओ, काम पे लग जा। क्या, तुम्हारी बिरादरी की? हेलो, तुम वापस जाओ। एक्सक्यूज मी, जरा थोड़ा पीछे हटो। सॉरी सर, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे एक बात कहूँ। हाँ बोलो। ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने तक ये आंटी को जरा बाहर बैठने को बोलेंगे? क्या, मैं आंटी? अरे तू वो रस्सी ला, यहाँ बॉम्ब फटने वाला है। हेलो, हमें मदद चाहिए तो खुद तुम्हें बुला लेंगे, चुपचाप वहां जाके बैठो। मेरी क्यूटी ने क्या कहा, डांट दिया तुझे? एक काम करें, हम दोनों मिलकर उसे अच्छा, जलाते हैं। जब वो तुझे पसंद नहीं करती है तो छोड़ क्यों नहीं देता, जाके किसी और को लपक ले। इसकी जगह तुम्हारी फोटो लगा दूं? इडियट, लास्ट मोमेंट पे किसी और का फोटो लगाने को बोल रही है। मेरी पीठ की जगह खाली है, वहां क्यों नहीं बनवा लेता है तू? अरे मेरी क्यूटी के बाल मेरे पीठ तक गए हैं। हाँ? तो उसमें थोड़ा सा गजरा भी बनवा ले तू, बड़ा आया मजनू की आईडिया। अच्छा पाला टी सेनी बड़ी देर कम इन, आई रिपीट, एनीवन देयर कम इन, एनीवन कम इन। यस, I know I have failed this mission.
But I must say it's a great plan by your organization and you executed it like a master. कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर प्लान बनाऊंगा। मैंने तुम्हारी गवर्नमेंट को बता दिया है। I am going back to my country without my brother Omar Farooq. लेकिन इस वक्त मुझे मेरे आदमी वापस चाहिए। बदले में मुझे क्या मिलेगा? 6 बंदों के बदले में 30 होस्टेजेस। नहीं, मुझे सारे के सारे होस्टेजेस चाहिए। तुम जानते हो ये मुमकिन नहीं। इन लोगों के बिना मैं यहां से निकल नहीं पाऊंगा। क्योंकि यही लोग मेरी ढाल हैं। समझ गए? ठीक है, ये सौदा मुझे मंजूर है। हेलो अल्ताफ। मैंने जिस तरह सोचा था उस तरह मिशन पूरा नहीं हो रहा। मैं इसमें नाकामयाब हो गया। तुम भले ही उमर फारूक को मत छोड़ो, लेकिन हमें यहां से बाहर निकलने के लिए 4 वोल्वो बस और बोइंग 747 एयरपोर्ट पे चाहिए। अरे बाप रे, ये सब किस लिए चाहिए? मैं 1 घंटे बाद फोन करूंगा। लगता है मैदान छोड़ने वाले हैं। मैंने कहा था ना, हमारा आदमी इन्हें भगा देगा। क्या खबर सुनाई तुमने? आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और उस पर भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरी की पूरी खिसक गई है इसके। गोपाल जी, आजकल इंसान खुशी से हंस रहा है या दुख से कुछ समझ में नहीं आता है, नाटक कर रहा है। जरा चेहरा देख उसका। हाँ सर, उनके चेहरे का रंग ही बदल गया। मैं समझ गया था। हाँ सर, उसने जो कहा वो सही है। वो बांग्लादेशी है। वहां हुए सारे हमलों का कारण उमर फारूक ही है। जब हम उसे मारेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इंतजाम कर दे, ऐसा हमें हमारे संवाददाता ने बताया है। ए, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? आखिर हुआ क्या? अब तो हम सब सुरक्षित जगह पर हैं। मुझे डर लग रहा है। और क्यों? तुम लोगों को देखकर बहुत डर लग रहा है। क्या हमें देखकर डर लग रहा है तुम्हें? तुम्हारा चेहरा इतना भद्दा है कि अगर आतंकवादी देख ले तो वो डर के आंखें बंद कर ले। तुम्हारी भौहें अगर ऐसे मरोड़ देना तो तुम्हारा चेहरा किसी राक्षस से कम नहीं लगेगा। मुझे तेरी बात पर भरोसा नहीं है। सच क्या है बता दे। मेरी बीवी और बच्चे नीचे रह गए। अरे तो घबरा क्यों रहा है? जैसे तू यहाँ पर सेफ है वैसी थोड़ी देर में वो भी यहाँ आ जाएंगे। तू चिंता क्यों कर रहा है? हे बिरजू चाचा, वो कप नूडल्स में थोड़ा गर्म पानी डाल के यहाँ लेकर आ। ए, अभी तो समझाया फिर भी रोए जा रहा है तू। अच्छा, आप लोग बांग्लादेशी है ना? बांग्लादेशी? अरे वो सब हमने आतंकवादियों को चकमा देने के लिए बोला था ताकि वो कंफ्यूज हो जाए और चुपचाप बोरिया बिस्तर बांध के इस देश से बाहर निकल जाए। इसका मतलब आप लोग बांग्लादेशी नहीं है? कौन बांग्लादेशी रे, बेकार बात करता है। मैं गांधीनगर से हूँ, डोमिनिक एंड सोल्जर्स सिक्योरिटी सर्विसेज। गूगल पे ढूंढ ले, उसका MD मैं ही हूँ। मैंने ही सारे सोल्जर्स के साथ ये मास्टर प्लान बनाया और मैं ही आतंकवादियों से सबको बचाऊंगा भी। समझा कुछ? बेकार में क्यों झूठ बोल? तुझसे झूठ बोल के क्या हासिल होगा मुझे? ले मेरा आधार कार्ड देख ले, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा। और तू बोल रहा है झूठ बोल रहा हूं मैं? लेकिन आप तो एक आम आदमी है, तो उन खतरनाक आतंकवादियों से कैसे जीत पाएंगे? आदमी तो आम हूं मैं, लेकिन प्लानिंग करने में बहुत खास हूं। वो कैसे? आतंकवादियों के बीच में कबूतर छोड़ा हुआ है मैंने। वो जब भी कोई प्लान बनाते हैं वो उनका पूरा प्लान सुनकर मुझे आके बता देता है और प्लान बता के फुर फुर करके उनमें वापस शामिल हो जाता है।
मेरा दिमाग बहुत शार्प है बेटा, इसमें नहीं समाएगा। वो कबूतर जैसे ही आएगा मैं तुझे बता दूंगा। कुछ समझा बेटा? ए, जल्दी से नूडल पकड़ ले वरना सारा तुझ पर उड़ेल देगा। ए, पकड़ ले। ए, तेरी शादी की बात नहीं करे जो तू थरथरा रहा है। जा जा भाग यहां से, जा। खाले खाले गर्मा गर्म खाएगा वो चमड़ी पे चमक आ जाएगी। उंगरालो सुंदरी तुझे क्या हुआ है? फोन बज रहा है, मतलब कबूतर आने वाला है। आंखें खोली रख और ध्यान से देखना, आतंकवादियों का विभीषण आ रहा है। इस वक्त वो कहां है मुझे नहीं मालूम। वो चुपचाप यहां आता है, इंफॉर्मेशन दे करके वापस से फुर्र हो जाता है। शायद वो कोई प्लान बना रहा है, तुम संभल के रहना। ए, कम से कम अपनी बेटी के सामने मत रो, तुम्हें देख के उसे भी डर लगेगा। डरना मत, बिस्किट खाओगी? ए गिरीला, ये ला, बाद में आइसक्रीम दूंगा। फिर से रोने की आवाज आई ना तो एक ढूंगा रख के। पता नहीं बच्चों को मॉल जैसी खतरनाक जगह क्यों लेकर आते हैं। वहां क्या देख रहा है? 40 लोग चुपके से इस एसी डक में से रेंग कर एक एक करके यहां तक पहुंचे हैं। सबकी सांसें रुकी हुई थी, कोहनियों पर रेंगते हुए पहुंचे हैं ये सब। डर था, मौत का डर। अच्छा सुन, तू यहीं बैठा रहना, मैं जरा ढीला होकर आता हूं। तू जाए तो तब तक इसी होल को घूरता रहे। सब इसी होल को घूरी जा रहे हैं। ए, ए, रुक 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 जरा, ये तेरा नूडल का डब्बा तो लेके जा। लगता है बीवी की बहुत याद आ रही थी इसलिए रुक नहीं पाया। सर, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो अपना बटवा भूल गया तो लेने गया है, उसमें उसकी फैमिली का फोटो है ना। आपकी अकल ठिकाने पे है ना, ऐसी सिचुएशन में कोई बटवा लेने जाएगा? दरअसल वो हम लोगों को बांग्लादेशी समझकर बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था, तो मैंने उससे कहा कि मैं तो गांधीनगर से हूं। मैंने उसको आधार कार्ड भी दिखा दिया। क्या कहा आपने? हम बांग्लादेशी हैं, ऐसा उसने क्यों पूछा? नहीं, मुझे लगा भूगोलिक खोज वाला कोई होगा। आपने सब उगल दिया ना? नहीं, मैंने तो बहुत थोड़ा ही बताया। पर अब ये मत कहना कि वही इन आतंकवादियों का लीडर है। हाँ वही है। अरे कोई उल्टी भी करता तो धीरे धीरे करता है, तुमने सारा का सारा एक झटके में उगल दिया। मैंने सब उगल दिया। दिस इज नॉट जस्ट अ हाईजैक, इट्स अ वॉर। और जिस तरह की तुमने गद्दारी की है उसका अंजाम क्या होगा तुम अच्छी तरह से जानते हो। ऐसा करते हुए तुम खौफ ज़दा नहीं हुए? कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन दोबारा कोई गद्दारी करने की जरूरत ना करे, इसीलिए तुम्हें सजा देना बेहद जरूरी है, समझे? मैं अपने घर को पहुंच दूं। जा से बेटा, आपने क्या किया?
प्लीज मेरे परिवार को बख्श, मुझे मार दो, मुझे मार दो, मेरे परिवार को बख्श। ये सब तुम्हारी नापाक हरकतों का ही नतीजा है, मेरे परिवार को बख्श, वरना तुम्हारा परिवार आज बहुत ही खुशहाली से जी रहा होता। मेरे परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे मार दो। अब कुछ नहीं हो सकता अब्दुल, देखता हूँ तुम्हें कौन बचाने आता है। कौन आएगा तुझे बचा? अगर तूने इसके परिवार को छोड़ दिया तो मैं तुझे तेरे बंदे लौटाकर खुद भी सरेंडर हो जाऊंगा। उसके बाद तुझे जो करना है कर लेना, मेरा इस पूरे ऑपरेशन से कोई संबंध नहीं होगा। इससे तुझे क्या फायदा होगा? अब्दुल से मैंने वादा किया था, बाकी सबका क्या होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तूने अब्दुल को मारा तो उसके बाद तू मेरा आतंक नहीं झेल पाएगा। मेरी सनक गई तो मुझे हैंडल करना नामुमकिन है, ये तू भी जानता है। सो द चॉइस इज योर्स। उसे छोड़ दिया तो सरेंडर हो जाऊंगा, उसे मार दिया, यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। इसकी फैमिली को छोड़ दो। ए, दिमाग खराब हो गया क्या? तो क्या करूं, सर पे बंदूक रखे पूछेगा तो और क्या कहूंगा, सरेंडर कर दिया। अरे अगर सुबह ही सरेंडर कर देते तो कम से कम आसान मौत तो मरते, अब तो भयानक मौत मारे जाएंगे। हम भी अगर सरेंडर कर देंगे तो लिफ्ट से तो जा पाएंगे। हमें नहीं बचाने वाले। सबको बचाने का ठेका मैंने ही ले रखा है क्या? तुम्हें बचाने की जिम्मेदारी सरकार की है, मेरी नहीं। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ जो खून खराबा होगा उसकी जिम्मेदार सरकार और इंटेलिजेंस की लापरवाही है, लेकिन उस बच्ची की मौत का जिम्मेदार मैं था। वो बोझ मैं दोबारा नहीं सह पाऊंगा। और हमारा क्या होगा? मुझे क्या पता, ज्योतिष थोड़ी हूं। अगर मैं मर जाऊं तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा? मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो ना, जानवान नहीं दे सकती क्या? एक न एक दिन मरना ही तो है, यहां मरोगी तो कम से कम अखबार में नाम छपेगा। इस बात से खुश हो जाओ और अपनी ये किटकिट बंद करो। और कहां गए वो ज्ञानी जी? अरे ये एकदम से मेरी तरफ क्यों घूम गया? सारा प्लान बता दिया। प्रीति अब भी वक्त है, इसे छोड़ दो, यहां से निकलते हम शादी कर लेंगे। ए विचित्र प्राणी, तेरा अलग ही टैलेंट है, मौत को सामने खड़ा देखकर भी तुझे मजाक सूझ रहा है, तू बेकार जोक मार रहा है। तुझे गॉड ने संडे के दिन बनाया था क्या रे? अंदर कहीं का। एनी अपडेट? अपडेट क्या मतलब? मॉल के अंदर जाना आसान है लेकिन वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है। मैं बात करके सब सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, तेरी डिमांड सब पूरी हो जाएंगी, मैं तैयार करके तुझे बता दूंगा, ठीक है? वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। क्या? अंदर जो बांग्लादेशी बोल के हम दोनों को धोखा दे रहा था, वो असल में बांग्लादेशी नहीं है, वो इंडियन है। 2006 से 2020 तक रॉ का फील्ड एजेंट था और उसने 2010 से 2012 तक अल्ताफ हुसैन के साथ काम किया है। इतना ही नहीं, आज सुबह से अब तक वो अल्ताफ से 4 से 5 बार बात भी कर चुका है। उसने मुझे सब कुछ बता दिया। उसने ये भी कहा कि मेरे पास तुम्हारे जितने भी आतंकवादी बंदे हैं उन्हें छोड़ के खुद सरेंडर हो जाऊंगा। अब तुम क्या करोगे? और क्या, उमर फारूक को छोड़ देंगे? सबसे पहले वही करो। लेकिन हॉस्टेजेस को किसी भी तरह का? नहीं अल्ताफ, आप यहां सिर्फ वही होगा जो मैं कहूंगा। यू गॉट इट? उमर सैफ, एक मिनट, ये अल्ताफ नहीं, होम मिनिस्टर बात कर रहा है। तेरी प्रॉब्लम मैं समझता हूं, लेकिन मेरे लिए देश की जनता सबसे अहम है। और तुझे क्या है, सरकार से सिर्फ अपनी डिमांड पूरी करवानी है ना, तो मैं अंदर आता हूं। बिना किसी सिक्योरिटी के मैं अकेले अंदर आऊंगा। मुझे बंदी बनाकर रख लेना, मेरी जनता को मारने से पहले तुझे मेरी जान लेनी होगी। मैं वहां आऊंगा, यह वादा है। ये जो भी बोल रहे हो सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन मंत्री जी ये सब करने की हिम्मत है तुम में? मैं आ रहा हूं अपनी जनता को बचाने के लिए, तू तैयार रहे। सर आप ये क्या बोल रहे हैं, होम मिनिस्टर को अंदर थोड़ी भेज सकते हैं? और क्या रास्ता है, जो कुछ हो रहा है गलत है। अपनी जनता को बचाना मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उन्होंने मुझे वोट दिया है। ये देश तुम जैसे ऑफिसर्स के भरोसे नहीं है, मुझ जैसे नेता जो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं उनके भरोसे है। अंदर जाके मुझे क्या करना है पता है? कोई ऑफिसर, कोई बॉडीगार्ड, कोई वॉचमैन मेरे साथ नहीं आएगा। मैं जाऊंगा अकेले, अंदर जाऊंगा, देखता हूँ दो बॉडीगार्ड आतंकवादी क्या करता है। क्या सर,
आप उनके बारे में गलत बोल रहे थे ना, वो तो मॉल के अंदर जा रहे हैं। अंदर जा रहा है बोल के जा तो रहा है, लेकिन अभी नहीं जाएगा। पहले प्रेस बुलाएगा, इसे नेशनल इश्यू बनाएगा, उसके बाद अंदर जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो भले ही तुझे बुरा लगे, मैं माफी नहीं मांगूंगा, ठीक है? शर्त लगाएं, रहने दे, तू जीत नहीं पाएगा। आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ, राजनीति में ये मेरी तीसरी पीढ़ी है। महात्मा गांधी की राह पर मैं राजनीति कर रहा हूँ। एक राजनेता होने के नाते इस देश के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। अब मैं अंदर जा रहा हूँ और अंदर जाकर मैं उससे कहूंगा, अरे ए आतंकवादी, मैं तुझे अपने देश की इतनी सी मिट्टी भी नहीं ले जाने दे सकता, तो तूने सोचा कैसे कि तू हमारी जनता की जान ले सकता है? आंख में आंख डालकर कहूंगा, अगर इसमें मेरी जान भी चली जाए तो कोई भी मेरे लिए एक आंसू मत बहाना। मैं बोल के आता हूँ, सॉरी, पता नहीं जिंदा लौटूंगा या नहीं, पर जाता हूँ। मैं अंदर जाकर या तो सबको जिंदा लेकर आऊंगा या खुद शहीद हो जाऊंगा। मैं मरने से नहीं डरता हूं। वंदे मातरम। द सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल। अब हम क्या करने वाले हैं? कनेक्ट मी टू माधव सिंह नाउ। आतंकवादियों की मांग को मानते हुए उनके लीडर उमर फारूक को जेल से छोड़ने के लिए सरकार तैयार हो गई है, ऐसी हमें जानकारी मिली है। सब लोग कान खोल के सुन लो, अगर हमारे खिलाफ किसी ने साजिश करने की कोशिश की तो मैं उसका भी यही हाल करूंगा। और याद रखो, उसके बाद तुम्हारी सरकार या तुम्हारी फौज आ जाए तो वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तुम सब लोगों की जान हमारे हाथ में है, इस मॉल के सारे कंट्रोल हमारे हाथ में है, कोई बच नहीं पाएगा अगर तुम लोग हमारा चश्मा देना। बॉस, तुम्हारे पास ही आ रहा है। वो मेरी तरफ क्यों देख रहा है? किसकी तरफ देख रहा है? किसने क्या किया, बता बता। रेड बॉक्स। क्या रेड बॉक्स? उसने तुम दोनों को क्यों देखा? तुम्हारा उससे क्या कनेक्शन है? रेड बॉक्स कहां है? मैं क्या जानू? ये क्या बॉस, आप रेड बॉक्स नहीं जानते हो? लाल कलर का होता है ना। तो तू जानता है? उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने रूम में जिक्र किया था उसका। यानी रेड बॉक्स के बारे में ये जानता है। चल चल। सर, मत मारो सर, 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 स
नहीं बताएगा? सर, सर, नहीं सर। बता कहाँ है, बता दे। रेड बॉक्स कहाँ है? नहीं सर। वो तेरा हाथ भी तोड़ दे, बताना मत। समझ गया सर, रेड बॉक्स में फर्स्ट एड किट होता है, मतलब दवाई का डिब्बा, उसमें बैंडेड होता है, डेटोल होता है, क्रीम होती है, पागलपन ठीक होने की दवाई भी होती है। तो आपने लिया क्यों? एक इसे भी दे देते। बता, वो बॉक्स इस वक्त कहाँ है, मत बताना। एक मिनट। ओह, तो तुम मेरी वाट लगाने के चक्कर में। देख मैं क्या करता हूँ सर, वो जो रेड बॉक्स है ना, वो उस लड़की के पास है। वो मैंने वापस कर दिया था। धत तेरी के। वो तो बोल रही है वापस कर दिया, कहाँ है? सारे मर्द एक जैसे होते हैं, सुंदर लड़की पर भरोसा। तू ऐसा नहीं बताएगा, बता। मम्मी नहीं, बता कहाँ है? तू मेरी बात नहीं करेगा। जब वो अपना जलवा दिखाएगा तब पता। पप्पू क्या हो गया रे तुझे? वो अनाप शनाप बोल के तुझको कंफ्यूज कर रहा है। इनका थोबड़ा देख, इनको कोई रेड बॉक्स देगा क्या? ये तो भंगार का सामान बेचने वाले लगते हैं पप्पू। अब ये फंसेगा। ये दोनों कबाड़ी ऐसा कर सकते हैं क्या? तू उसी से पूछ पप्पू। राम बस कर और कुछ मत बोल। क्या हुआ क्यूटी? तुझे इसकी जान की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। क्या? वो रेड बॉक्स तेरे पास ही है ना, दे दे। ए क्यूटी, तुम ये क्या बोल रही हो? कौन सा रेड बॉक्स? तुझे मार के पूछेंगे तो मैं देख नहीं पाऊंगी। इसने तो मुझे मारे नहीं है क्यूटी। तो मैंने तुझे नहीं मारा। नो, ये ले। महंगा चश्मा टूट जाएगा, कहीं और मार ले यार क्यूटी। राम दे देना रेड बॉक्स, मुझे सिर्फ तू चाहिए। तेरे बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। मेरे दिल में प्यार की लहर अब उठी है और तू है कि डूबकर मरने की बात करता है। मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? सावित्री, मेरे पास नहीं है सावित्री। बेटा राम, तूने इससे प्यार किया है, बेकार में इसका दिल क्यों तोड़ रहा है? वो इसे छोड़ देंगे अगर तू इन्हें इनका रेड बॉक्स दे देगा। तुम कौन हो? नहीं जानता। मुझे याद आ गया, रुको मुझे ढूंढने दो जरा। पप्पू मेरे पास नहीं है। पप्पू मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आ रहा है। पप्पू ये सारे के सारे मिलके तुम्हें उल्लू बना रहे हैं। ये जो बोल रही है वो सच है, ये मुझसे प्यार करती है लेकिन मैं इसे नहीं करता। स्टॉप इट राम, कब तक झूठ बोलते रहोगे? तो बताओ इसका क्या मतलब है? हाँ अरे बाप रे, अल्लाह इससे बड़ा सबूत अब और क्या हो सकता है? लव। आई नो। पप्पू ये झूठ बol रही है। पप्पू तेरी तो झूठ बol रहा है। मैं इतना समझा रहा हूं फिर भी तू मुझे मारे जा रहा है। अब मार के दिखा। मम्मी। राम। रीति, दिस इज सच एन इरिटेटिंग सिचुएशन बट इट्स ओके। ओ दिनेश, वो रेड बॉक्स दे देना। ये रेड बॉक्स तो ठीक है, ये दिनेश कौन है? क्या वो अभी ठीक नहीं है? बहरा है क्या? अरे गलती हो गई भैया। अप्पू मैंने तुझसे कहा था ना, ये तुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, मुझ पे यकीन नहीं किया ना, अब भुगतना। हाथ में कांच लेके रस्सी काट रहा है वो। अरे पीछे से घूम के देखना, इसे किसने टेररिस्ट बना दिया यार? इसको तो ट्रेनिंग चाहिए। इसे समझा समझा कि मैं थक गया। बेटा पप्पू तू तो गया, उसने रस्सी काट ली है। We'll be right back.
उसे मारने को बोला तो मुझे मार के जा रहा है ये वकूफ। What do you want, sir? मैं तुझसे जो भी कहूंगा वो वॉकी टॉकी से इन लोगों को समझाना होगा। समझाएगा ना? या यही मरना चाहता है? I don't want to die, sir. ये ले। ऐसे बोलना कि आतंकवादी समझ ना पाए, ये बहुत जरूरी है। समझ गया ना? मैंने वक्त देखकर इतना बड़ा प्लान बनाया, कितने सालों की मेहनत थी मेरी, लेकिन उस कमीने ने पूरे प्लान की वाट लगा दी। हमने मिलकर बड़ी बारीकी से यह प्लान बनाया था, लेकिन उसने बैंड बजा दी। छोड़ूंगा नहीं उसे। जनाब कमीन। जनाब, वो हमारे चंगुल से फिर भाग गया। लीव हिम। अगले 30 मिनट तक मॉल हमारे कब्जे में रहना चाहिए। सारे होस्टेजेस को एट्रियम एरिया में ले आओ, इमीडिएटली। ओवर। क्या फिर से भाग गया? हाँ, यानी हमें फिर से शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। हे, कैसे आतंकवादी हो एक आदमी को बंदी नहीं बना सकते? तुम सब यहाँ आग बिचौली का खेल खेल रहे हो। अगर मेरा प्लान जरा सा भी इधर उधर हुआ तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। हमीद, उमर फारूक के हमारे पास पहुंचने तक यहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबको गोली मार देना। नो मर्सी। कहां मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के सपने देख रहा था, लेकिन लगता है मेरी फोटो पर माला चढ़ेगी। प्रधानमंत्री की शपथ लेना मेरी किस्मत में नहीं है। हेलो अल्ताफ, बच गए क्या? तुम्हें शक था क्या? नहीं, बस ऐसे ही पूछा, गुस्सा मत हो। मेरे पास एक प्लान है, रेस्क्यू टीम तैयार रखना, बाद में फोन करता। रेस्क्यू टीम से कहना कि तैयार रहे। ओके सर। हाँ। सर आप देख लेना। सलमा सर, तीनों को बुलाओ। ओके सर। मैंने जैसा कहा वैसा करोगे ना, नहीं तो सब मारे जाओगे। ऑल द बेस्ट। धमाके की आवाज आएगी, पीछे देखे बिना हमको आगे भागना है। और ये हम दोनों को सबको ऐसे बताना है कि टेररिस्ट को पता ना चले। मैं क्यों बोलूं? तुम बोलो ना। मैं क्या यहाँ का रिसेप्शनिस्ट हूं जो सबको जाके बताऊं? ब्लडी फूल।
हम यहाँ खैरियत से पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इतनी आसानी से उन्हें छोड़ेंगे नहीं, हम इससे बड़ा इंतकाम लेंगे इंशाअल्लाह। अल्ताफ, इवैक्यूएशन के लिए तैयार हो? ऑल सेट ऑन द काउंट ऑफ 10। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मेरा 20 साल का सपना मिट्टी में मिल गया। अकेले, एक अकेले इंसान ने अंदर घुसकर मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। एक इंसान को संभाल नहीं पाए, तुम्हें हाईजैक करना नहीं आता है, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ उल्लू के पट्टे। डोंट वरी, आई नो हाउ टू एंड दिस। इस मॉल के 500 मीटर्स के रेडियस में कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। ये तो पागल हो गया है क्या? ये क्या? साहब, ऐसा मत करो। साहब, नहीं साहब, खुदा के वास्ते ऐसा मत करो। साहब, ए नहीं, नहीं, ए, 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 हाइट ज्यादा है, एटम बॉम्ब के भेस में फुसकी निकला। तुम बिल्कुल सही समय पर अंदर आए। जानते हो तुमने देश के लिए कितना बड़ा काम किया है? मैं पूरी दुनिया के सामने ये बात कहूंगा, पूरे देश को तुम पर गर्व होगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ, इसने अपने बंदे को बांध कर रखा है लेकिन आप बिल्कुल आजाद घूम रहे। ये बात हजम नहीं हुई। अभी अभी सैंडविच खाया क्या? मुंह पे मेयो लगा, साफ कर लीजिए। क्या मुस्कान है। चेन्नई के ईस्ट कोस्ट मॉल में कल जो हाईजैक हुआ उसमें गृह मंत्री जी का हाथ है, ऐसा सबूतों के साथ पता चला है। गृह मंत्री को अरेस्ट कर लिया गया है। मॉल में जितने भी आतंकवादी थे उनसे अकेले भिड़कर 100 से भी अधिक लोगों की जान बचाने वाले भूतपूर्व रॉ अधिकारी वीर राघव इस वक्त कहाँ है इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। Thank you.
हुजूर, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर सेफ नहीं है, हमें अफगानिस्तान के लिए निकलना चाहिए। जब तक मैं अपने भाई के कातिल को खत्म नहीं कर देता, मैं यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगा। हेलो कमिन, अमित, अमित। हाँ बोलो। वीर राघवन की खबर मिली जनाब आपके लिए। कुछ पता चला उसका? वो हिंदुस्तान के किस इलाके में है? वो एक महीने से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। He is planning something big. जितना जल्दी हो आप लोग वहां से निकल जाइए। आमिर, वो हमारे ही इलाके में है, कहीं आसपास। 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर जिंदा या मुर्दा जो भी इसे लेकर मेरे पास आएगा, हम उसे 10 करोड़ का इनाम देंगे। जाओ, ऐलान कर दो। सुनो, वो यहीं कहीं पर है। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने वाले को 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। इसे देखा है कहीं पर? यही है क्या? हाँ यही है। मैं तो इससे अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। तुम कैसे वाकिफ? Hussain, right now. पाकिस्तान में घुसकर एक हिंदुस्तानी स्पाई उमर फारूक को अगवा करके ले गया। ये बात अगर मीडिया में लीक हो गई तो पाकिस्तान की इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती। टेक हिम डाउन। Yeah!
अटैक से मुमकिन नहीं है. We need our support. Send in 2 F-16s right now. Altaf here. Altaf. मैं पाकिस्तान एयरस्पेस में हूँ. I need air support. Do you copy? I'm in a Sukhoi 30 Mark 1. Locate me. Now. मिस्टर वीर राघव, हमारी परमिशन लिए बिना तुम अपनी मनमानी करोगे तो उसके लिए एयर सपोर्ट नहीं दे सकते, समझ गए? अगर आपसे परमिशन लेने के चक्कर में पड़ जाता तो मैं उमर फारूक को कब उठाता मिस्टर अल्ताफ? उमर फारूक को उठा लिया? हाँ, अगर वो फ्री घूमता रहेगा तो मुझे नींद कैसे आएगी, मैं और क्या करता. अब एकदम से पाकिस्तान की सीमा में जेट भेजेंगे तो वॉर छिड़ जाएगी. वॉर छिड़ेगी या नहीं पता नहीं, लेकिन एक महीने में इलेक्शन होने वाले हैं ये जानता. होने तो इलेक्शन से क्या होगा? इलेक्शन से दो महीने पहले आपकी सरकार को ब्लैकमेल करके आपके शहर से पाकिस्तान भागने वाले एक टेररिस्ट को विद इन वन मंथ इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में घुसकर उसको वापस लेकर आए. कल अगर ये न्यूज मीडिया में वर्ल्ड वाइड फ्लैश हुई तो एक महीने बाद होने वाले चुनाव में यही सरकार फिर से जीतेगी, ऐसा आपको नहीं लगता? हो सकता है आपको ऐसा ना लगे, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो जरूर लगेगा. उनसे बात करके मुझे कॉल कीजिए. आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम. सेंसेस, इंडिया से भागा एक टेररिस्ट पाकिस्तान से जिंदा पकड़ के ला रहे हैं. एक महीने में इलेक्शन है और इस टाइम ये न्यूज मीडिया में फ्लैश होती है तो सरकार हमारी ही बनेगी. वो ये काम अपनी पर्सनल वेंजेंस निकालने के लिए कर रहा है, लेकिन इसका फायदा हमें ही मिल रहा है ना. सो जस्ट फॉलो वीर राघवन इंस्ट्रक्शन एंड दिस इज माई ऑर्डर. What do you want? Dassault, Rafale. Rafale reporting. Rafale reporting. Waiting for your command. Get ready to fire. अभी लॉन्च करने से आपका इंपैक्ट ज्यादा होगा सर. That's okay. Just follow my command. Launch on the count of 5. 5. आखिर तूने भी हमें पॉलिटिक्स के जरिए ब्लैकमेल करके लॉक कर दिया ना? पक्का बीस्ट है तू. मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था. आप सब इलेक्शन के नाम से ही डरते हैं ना? आपको क्या लगा वो हमारे शहर में मॉल हाईजैक करके हमें ही ब्लैकमेल करके उमर फारूक को छुड़ा के ले जाएगा? उमर फारूक को मैं नहीं छोड़ूंगा, ये फैसला मैं कर चुका था. और तुम लोग तो जानते ही हो ना, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता.